ये जो आप मटेरियल देख रहे हो ये सामने वीडियो में, इसे वर्टिकल बॉक्स बोलते हैं और ये एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है। इसे ESP इंटरनल में यूज़ किया जाता है रैपिंग और नॉन रैपिंग साइड में। इसे हम लोगों ने अलग से ऐड किया है, ये जो आप दो क्लिट देख रहे हो ना, इसे अलग से ऐड किया गया है। इसमें ऑलरेडी पहले से यहाँ पर लगा हुआ आया था, देखो ये दोनों आप देख रहे हो ना, जैसे इस तरफ में ये लगा हुआ है सेम इसी तरह का यहाँ पर भी लगा हुआ था, पर इसे हम लोगों ने कट कर दिया, रिमूव कर दिया और इसकी जगह पर अलग से ऐड किया है। इस तरफ में देखो ये सारे मटेरियल हैं, अभी जिसे एक एक कर असेंबल किया जाएगा। ये बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम है जो आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरफ में ये भी बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम है। अगर हम लोग इसे चेंज नहीं करते और ऐसे ही इसे लगा देते, असेंबल कर देते, तो एमिटिंग अलाइनमेंट का जो काम है वो सही तरीके से नहीं होता, फिर वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने इसे पहले ही ठीक कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ मटेरियल से रिलेटेड। ESP इंटरनल में जो न्यू मटेरियल को असेंबल किया जाता है, तो उसे असेंबल करने से पहले एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। अगर चेक नहीं किया जाएगा तो एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो क्या है वो इन्फॉर्मेशन, इसे जानने के लिए आप वीडियो में बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाओगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो इसे वर्टिकल बॉक्स बोलते हैं और बहुत से लोग इसे वर्टिकल बीम के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो ये सामने वीडियो में, इसे वर्टिकल बॉक्स बोलते हैं और ये एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है। इसे ESP इंटरनल में यूज़ किया जाता है रैपिंग और नॉन रैपिंग साइड में। ये सामने आप जो भी मटेरियल देख रहे हो ये पूरा न्यू मटेरियल है। अगर कोई चाहे तो इसे बिना कुछ देखे समझे ESP इंटरनल में असेंबल कर सकता है, पर इसे लगाने से पहले चेक करना ज़रूरी होता है, बिकॉज हमसे ये मिस्टेक हो चुकी है। हम लोगों ने भी यही सोचा है कि ये न्यू मटेरियल है, BHEL ने इसे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये सही होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। पर जब इसे ESP इंटरनल में लगा दिया गया तो वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो क्या है वो मिस्टेक जिसे BHEL ने किया है और बाद में उसे हमें सही करना पड़ा है, अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अभी बहुत सारा इस तरफ में भी बॉक्स रखा हुआ है, ये आप देखो, ये पूरा का पूरा बंच है। ये सारे वर्टिकल बॉक्स हैं जो आप वीडियो में देख रहे हो, रैपिंग साइड के और नॉन रैपिंग साइड के, बिकॉज हमें यहाँ पर टोटल 22 फील्ड का अरेक्शन करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया जाएगा। एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट और कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल, उसके अलावा ड्राइव सिस्टम का मटेरियल, ये सब एक एक कर असेंबल किया जाएगा ESP इंटरनल में। ये जो आप वर्टिकल बॉक्स देख रहे हो तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आपको दिखने में सेम दिखाई देगा, पर इसमें ये समझना होता है कि रैपिंग साइड का कौन सा है और नॉन रैपिंग साइड का कौन सा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो आप एंगल निकला हुआ देख रहे हो ना वर्टिकल बॉक्स में, ये जिसमें भी आपको एंगल दिखेगा आप ये समझ लो कि वो वर्टिकल बॉक्स रैपिंग साइड में यूज़ किया जाएगा, और इस तरह का एंगल जिस बॉक्स में नहीं होगा वो नॉन रैपिंग साइड में यूज़ किया जाता है। बस आप इतना ही याद रखना। ऐसे आप देखोगे तो आपको सभी सेम दिखाई देगा, यहाँ पर जितना भी आप वर्टिकल बॉक्स देख रहे हो सबकी लेंथ सेम होती है, सबका डिज़ाइन सेम होता है, बस हमें समझना ये होता है कि कौन सा रैपिंग साइड में जाएगा और कौन सा नॉन रैपिंग साइड में जाएगा, उसी के हिसाब से ही इसे असेंबल किया जाता है। पता चला कि अगर आपने रैपिंग साइड का नॉन रैपिंग साइड में लगा दिया और नॉन रैपिंग साइड का रैपिंग साइड में लगा दिया, तो फिर आपका जो एमिटिंग फ्रेम है वो सही तरीके से फिट नहीं होगा और ना ही आपका अलाइनमेंट का काम सही तरीके से होगा। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाता है कोई भी मटेरियल को असेंबल करने से पहले, स्पेशली जब ESP इंटरनल का आप काम करोगे तो आपको कोई भी चीज़ देख कर समझ के ही लगानी है, बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसमें उल्टा सीधा बहुत देखना पड़ता है, और अगर आप बॉयलर में काम करते हो तो चीज़ें इधर से उधर लग जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ESP इंटरनल में जो चीज़ें जहाँ लगानी है वहीं लगानी होती है, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप ESP इंटरनल इरेक्शन करने से पहले ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा मटेरियल किधर यूज़ किया जाएगा। अब मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, पहले आप स्टार्टिंग से देखो, ये इसका बॉटम पोजीशन है वर्टिकल बॉक्स का। अब आप यहाँ से देखो, वीडियो में देखते जाओ, अब आप यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको यहीं की बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, इसे हम लोगों ने अलग से ऐड किया है, ये जो आप दो क्लिट देख रहे हो ना, इसे अलग से ऐड किया गया है। इसमें ऑलरेडी पहले से यहाँ पर लगा हुआ आया था, देखो ये दोनों आप देख रहे हो ना, जैसे इस तरफ में ये लगा हुआ है सेम इसी तरह का यहाँ पर भी लगा हुआ था, पर इसे हम लोगों ने कट कर दिया, रिमूव कर दिया और इसकी जगह पर अलग से ऐड किया है। बिकॉज ऐसा इसलिए किया गया है कि ड्राइंग के हिसाब से ये 90 mm जो है नीचे लगा हुआ था,
मतलब कि शॉर्ट था, हम लोगों ने क्या किया इसे 90 mm ऊपर करके, मतलब कि 90 mm ऊपर करके लगाया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते ना तो अलाइनमेंट के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती, जब हम लोग एमिटिंग फ्रेम का अलाइनमेंट करते असेंबल करने के बाद तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो इसलिए हम लोगों ने पहले मेजरमेंट लिया इस पूरे वर्टिकल बॉक्स का, कौन सा एंगल कितने पे लगा हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने इसे चेंज कर दिया, बिकॉज ये 90 mm शॉर्ट हो रहा था, 90 mm कम था, तो हम लोगों ने इस वाले को हटा के अलग से ऐड कर दिया। आप इधर देखोगे तो ये सारा सही है, इसका मेजरमेंट लिया गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब भी आप कोई न्यू मटेरियल लगाओ कहीं पर भी ESP में या बॉयलर में, तो पहले उसका मेजरमेंट ले लो, क्या पता कि वो गलत लगा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि जो BHEL सामान दे रहा है या बोर्ड वाला सामान दे रहा है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई सामान दे रहा है पावर प्लांट का तो वो सही होगा, उसे आपको चेक करना है, आपको ये श्योर करना है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, उसके बाद ही उसे असेंबल करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये एक अलग से हम लोगों ने ऐड किया, ये मिस्टेक अक्सर होता है मटेरियल फैब्रिकेट करने के टाइम पर। और दूसरा ये आप देखो एंगल, ये एंगल भी गलत लगा हुआ था, बिकॉज जब फर्स्ट वाला ही गलत होगा तो उसके आगे भी गलत होगा, ये भी 90 mm शॉर्ट था, तो हम लोगों ने अलग से ऐड किया है एंगल को, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का एंगल आता है, प्राइमर वगैरह पेंट किया होता है। अभी इसे हम लोगों ने अलग से ऐड किया, पुराने वाले को देखो रिमूव करके सामने रखा है, इसमें होल किया गया है, एंगल बनाया गया है उसी साइज का, और उसी हिसाब से इसे 90 mm की दूरी पे वेल्ड किया गया है प्रॉपर तरीके से, दोनों साइड में एक नीचे दूसरा ऊपर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जिसे पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें मेजरमेंट के बाद ही पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें ड्राइंग देखने के बाद पता चलती हैं। जब आप ड्राइंग देखोगे तो आपको पता होगा कि कौन सा एंगल कितने mm पे लगा होना चाहिए, उसके बाद अलाइनमेंट का काम सही तरीके से होता है। अगर मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर की तरफ करूं तो आप देख सकते हो, बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सामने देख लो, मैं वीडियो को थोड़ा जूम कर देता हूं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ पहले के जैसे लगी हुई हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। चेंज सिर्फ यहां पर किया गया है, इस एंगल को वेल्ड किया गया, अलग से ऐड किया गया है, ये फैब्रिकेट किया है हम लोगों ने, और दूसरा यहां पर किया है। सिर्फ ये दो वर्टिकल बॉक्स में प्रॉब्लम है, बाकी का वर्टिकल बॉक्स सही है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर हम लोग इसे चेंज नहीं करते और ऐसे ही इसे लगा देते, असेंबल कर देते, तो एमिटिंग अलाइनमेंट का जो काम है वो सही तरीके से नहीं होता, फिर वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने इसे पहले ही ठीक कर दिया। एंड गाइज, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वर्टिकल बॉक्स में ही आपको देखने को मिलेगी, किसी भी मटेरियल में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लाइक कलेक्टिंग फ्रेम, एमिटिंग फ्रेम, वर्टिकल बॉक्स, सपोर्टिंग बीम, सस्पेंशन बीम, ड्राइव सिस्टम का जो मटेरियल होता है, शाफ्ट हो गया, हैमर हो गया, बेयरिंग हो गई, ये सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ों को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद उसे ठीक करना पड़ता है। ये जो आप एंगल देख रहे हो क्लिट, ये दोनों साइड में वेल्ड की गई है, एक इधर और दूसरा नीचे की तरफ, और ठीक वहाँ पर भी दोनों साइड में एंगल वेल्ड किया गया है, और ये 90 mm शॉर्ट हो रहा था, इसे अब 90 mm अप करके लगाया गया है, बाकी का एंगल सही है इस तरफ में, आप देख सकते हो इसे एज इट इज़ पहले के जैसा ही छोड़ दिया गया है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक अक्सर होती है न्यू मटेरियल में, इसे देखना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है, मेजरमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मटेरियल को असेंबल करने से पहले। अगर आप ये सारी चीज़ों को इंश्योर नहीं करोगे, पहले से नहीं समझोगे, तो अलाइनमेंट के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है कि 2-3 मटेरियल गलत तरीके से असेंबल हो गया, उसे हम लोगों ने पहले रेक्टिफाई नहीं किया, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम तो हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दी, पर होता क्या है कि एग्जैक्ट लोकेशन पर काम करना टफ होता है, और इसे यहीं पर ठीक कर लेना आसान होता है। इस तरफ में देखो ये सारे मटेरियल हैं, अभी जिसे एक एक कर असेंबल किया जाएगा। ये बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम है जो आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरफ में ये भी बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम है, उस तरफ में वो सारा सॉक बार गाइड रखा हुआ है, आगे में एमिटिंग फ्रेम, कलेक्टिंग फ्रेम रखा हुआ है, ये वर्टिकल बॉक्स है, पूरा का पूरा बंच है, देख सकते हो आप रैपिंग साइड और नॉन रैपिंग साइड का। आने वाले टाइम में इसे एक एक कर असेंबल किया जाएगा, बिकॉज हमें यहाँ पर टोटल 22 फील्ड का इरेक्शन करना है यूनिट नंबर 1 और 2 में। यूनिट 1 में हमें टोटल 10 फील्ड का इरेक्शन करना है, और यूनिट 2 में 12 फील्ड का इरेक्शन करना है। अभी जो हमारा काम स्टार्ट है यूनिट 1 में पास डी में, और यूनिट 2 में पास सी में। यूनिट 1 में 3 फील्ड में काम हो रहा है, मतलब कि 3 फील्ड उसका सेक्शन 6 हो जाता है, अगर उसे हम लोग फील्ड समझें इलेक्ट्रिकली तरीके से, तो 6 फील्ड में काम हो रहा है यूनिट 1 में पास डी में, और यूनिट 2 पास सी में 4 फील्ड में काम हो रहा है। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मटेरियल से रिलेटेड, किस तरह का मिस्टेक होता है न्यू मटेरियल में, वो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। इस तरह का और भी बहुत सारा मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में, इसलिए कभी भी कोई भी मटेरियल को इरेक्शन करने से पहले, असेंबल करने से पहले एक बार रेक्टिफाई करना ज़रूरी होता है, इंश्योर करना ज़रूरी है कि मटेरियल सही है या गलत है, उसे मेज़र करना चाहिए। मेजरमेंट लेने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी,
ये सारे एंगल कितने डिस्टेंस में लगे हुए हैं, इनका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी मटेरियल को असेंबल कर दोगे कहीं पर भी, चाहे ESP हो या बॉयलर, तो फिर आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो हम लोगों ने की है स्टार्टिंग में। इसलिए अब ये गलती दोबारा हम लोगों से नहीं हो सकती। पहले हम लोग मटेरियल को देखते हैं, चेक करते हैं, उसका डिस्टेंस देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद ही इसे असेंबल करते हैं। कौन सा रैपिंग साइड का है, कौन सा नॉन रैपिंग साइड का है, ये सारी चीज़ों को देखना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ESP से रिलेटेड, पावर प्लांट से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे चैनल पर, सो आप चैनल से जुड़े रहना। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।